नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। अपनी ही करनी का फल है नेकियां रुसवाइयां, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां। रामू जल्दी से चाय ले आ, 5 बज गए, रोहित आता ही होगा। अच्छा मालूम। कौन? रोहित। मैं को तुम्हारी उन्होंने पहचानती। अरे मैंने कहा रिस्की भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, रिस्की ये रिस्क नहीं ले सकता, नहीं समझे? छोड़, नेट टूट जाएगी। पहले मुंह खोल। तू बड़ा शरारती है। माँ खुद तो कुछ खाती नहीं, सदा मेरे ही खाने का ख्याल रखती है। तेरे खाने से मेरी भूख मिट जाती है। अरे मेरी माँ। ये देखा। अरे ओए पैगे मियाँ, रिस्की रस पीने का रिस्क नहीं लोगे? आज मेरा मंगलवार है, मैं मंगलवार के दिन रस नहीं पीता। मैं मंगलवार के दिन छोड़ इस पेटे को, आ बेटा तू भी कुछ खा ले। अच्छा माता जी, आप फोर्स कर रही हैं। हाँ और नमकीन भी खा लो। लो माँ, हम दोनों आज रामनगर जा रहे हैं। रामनगर? ये अचानक सलाह कैसे बन गई? तुम तो जानती हो माँ, आजकल हमारे जंगलात के काम में काफी घाटा पड़ रहा है, और फिर आज जो चिट्ठी है उससे पता चलता है कि हमारा मैनेजर भी बहुत गड़बड़ कर रहा है, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। तुम भी चलो ना माँ, मैंने तार भेज दिया कि बंगला साफ करके रखे। मैं कैसे जा सकती हूँ बेटा,
अभी तुम्हारे पिताजी की बर्सी का सारा इंतजाम करना है। अगर तुम्हें वहां रुकना पड़ा तो मैं बाद में आ जाऊंगी। अच्छा माता जी, मैंने रोहित से कितनी बार कहा कि मुझे जंगलात का मैनेजर बना दे, मगर ये मानता ही नहीं। आप ही मेरी सिफारिश कीजिए ना, नहीं समझे? अरे माँ, अगर मैंने इसे जंगलात का मैनेजर बना दिया ना, तो हमें बंगलों को छोड़कर जंगलों में जाना पड़ेगा। क्यों भाई, अगर तुम्हारे पिताजी के जमाने में मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी के मैनेजर बन सकते थे, तो मैं तुम्हारे जमाने में तुम्हारा मैनेजर क्यों नहीं बन सकता? मुझ में क्या कमी है? सिर्फ अकल की। लेकिन शक्ल से तो मैं जनरल मैनेजर लगता हूँ। शक्ल से तो आप धंधेदार भी लगते हैं, मगर वो नौकरी भी आपको नहीं मिल सकती। अच्छा बंद करो ये बकवास और उस ब्लफ मास्टर का टेलीफोन नंबर घुमाओ। जल्दी जाओ ना। माता जी जरा एक सेकंड दे दीजिए, पूरा ले जाओ। हेलो, कौन? जी आपके चाहने वाले श्री रोहित कुमार वर्मा, समझे? नहीं समझे। ओ रोहित, सुनो भाई आज क्या प्रोग्राम है? अरे हमारे प्रोग्राम की छोड़ो, तुम इस वक्त क्या कर रहे हो ब्लफ मास्टर? करना क्या है यार मेरे दिलदार, मेरे काम का इतना बोझ आन पड़ा है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। फाइल पर फाइल रखी हुई है, लेटर्स पर सिग्नेचर करते करते अपनी तो उंगलियां भी थक गई। भाई आज तक तुम्हारे बिजनेस की हमें तो कोई समझ नहीं आई। तू ऐसा कर, जल्दी से यहाँ चला, मैं आज ही रामनगर जा रहा हूँ। अच्छा यार आता हूँ। यार तुम्हारा प्रोग्राम ऐसे बनता बदलता है जैसे औरतों का मूड, और हमें इन बातों से बहुत तकलीफ पहुंचती है। अबे तकलीफ की औलाद, ये बातों की सौदागरी छोड़ और वायरलेस के मैसेज की तरह यहाँ पहुंच जा, समझे? नहीं समझे। आप तो समझे ना, टेलीफोन वहां रख। ओके ओके, अब तो जाना ही पड़ेगा। हाँ तो लिली हम कहाँ थे? बॉस, तुम यहाँ? बॉस हम लोग बड़ी मुश्किल से भाग गया है, सारा सोना पकड़ा गया। सारा सोना पकड़ा गया? तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वहीं पुलिस की गोलियां खाकर क्यों नहीं मर गए? अब क्या होगा? पूरे 5 लाख का नुकसान हुआ है। तुम कहो तो हम चंगुमल मंगुमल से पैसे लेके आते हैं। तुम उसे क्या कहोगी? वो मुझ पे मरता है, पैसा मेरा नाम पर दे देगा, जब तुम्हारा काम हो जाए तो वापिस कर दूंगा। नहीं समझे? नहीं। देखो कुमार, हम सब इकट्ठे पैदा हुए। इकट्ठे मेरा मतलब है एक ही तारीख को। हाँ। एक साथ स्कूल में दाखिल हुए, एक साथ कॉलेज से निकाले गए, क्यों ना हम सब इकट्ठे ही जंगल की सैर को निकले। नहीं समझे? नहीं यार, मेरा जाना बहुत मुश्किल है, मैं बहुत बिजी। आजकल जितने बेकार आदमी हैं उनसे जब भी पूछो यही कहते हैं आई एम वेरी बिजी। करेक्ट। हालांकि उनके पास वक्त के सिवा और कुछ नहीं है। करेक्ट। रिस्की कोई विस्की नहीं है जो तुम पी जाओगे। करेक्ट। नहीं समझे? मगर कुमार ऐसा लगता है कि तुम बहुत बदल गए हो। क्यों? कहीं किसी लड़की के चक्कर वक्कर में तुम्हें आ गए? नहीं यार, मैंने तो कई महीनों से लड़की की शक्ल तक नहीं देखी। हा? मैंने तुम तीनों के लिए लड़कियां देख रखी, शक्ल में अकल में हर बात में पूरी उतरती। तुम लोग हाँ करो तो मैं बात पक्की कर डालूं। माता जी ये लोग हाँ करें ना करें, आप मेरी शादी करा दीजिए। बुजुर्गों ने कहा है कर सेवा खा मेवा, वो आपकी सेवा करेगी मैं मेवा खाऊंगा। नहीं समझे? वो तो मैं समझ गई, तुम रोहित को मना लो, फिर तुम तीनों की चेत मंगनी पट दिया। क्यों रोहित बुलाऊं? पुरोहित? पुरोहित तो कुमार बुला लेगा, तुम जाके सामान बांधो, गाड़ी का वक्त हो रहा है। चल फट फट फट। नमस्ते सरकार। नमस्ते, कैसे मैनेजर? ठीक हूँ। कौन सी गाड़ी लाए? जीप लाया। ठीक है, तुम ऐसा करो ये लो रसीद, ब्रेक से सामान निकलाकर तुम किसी टैक्सी में ले आना। ओके सर। और इसकी कुली।
ओफो, ये हमारा मैनेजर भी उल्लू का पट्टा नंबर वन, सब गाड़ी को सत्यानाश कर देता है। रिस्की जरा देख तो। ओके बॉस। क्या खटारा ठेला है। ओह बॉस, हो गया लॉस। क्यों, क्या हुआ? फैन बेल्ट की कमर ही टूट गई। क्या, अबे उल्लू की दुम, कमर तो हमारी टूट गई, अब घर कैसे पहुंचेंगे? पहुंचेंगे बॉस, अवश्य पहुंचेंगे। वो देखो, जनता एक्सप्रेस। हॉल्ट हॉल्ट, ठहरो ठहरो, रोको रोको, थमा थमा, रुक जा और रुक भी, रुक। ए मिस्टर, क्या इरादा है, मरने का? अरे मैम साहब, जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में, फिलहाल इन दो दुखी मुसाफिरों को बाजार तक लिफ्ट देना आपके हाथ में। किस खुशी में? हमारी गाड़ी की तबीयत खराब है, इस खुशी में। गाड़ी की तबीयत खराब है या तुम्हारी नीयत खराब है? ए मिस्टर, लड़की को देखते ही आजकल के सड़क छाप मंचनों की गाड़ी खराब हो जाती है और उसे लिफ्ट की जरूरत पड़ती है। आए दिन अखबारों में खबरें छपती हैं कि एक लड़की ने एक लड़के को लिफ्ट दी और अफसाना बन गया। पीछे हटिए, मैं आप जैसे लोफर को अच्छी तरह समझती हूँ। क्या कहा, मैं आपको लोफर दिखाई देता हूँ? लोफर नहीं है आप, तो शोफर जरूर है। क्या, पहलू में जैसे हूर के लगते लंगूर है। अरे वाह, ओ मेम साहब, हरकत है। अरे मेम साहब, इसी हरकत में ही बरकत है। देवी जी, हमारे दिमाग की दाद दीजिए। दाद के साथ साथ प्रसाद भी लीजिए। बॉस, ये लिफ्ट नहीं आई हमें रास, देवियां खिला गई हमें घास। अरे अरे, ये तो गाड़ी ले गई, हमें आधा ही छोड़ गई। मालिक आ गए। क्यों चनायन, कैसे हो? तुम जाकर टैक्सी से सामान ले आओ। अरे रोहन, कैसे है बेटा, कैसे है? बहुत दिनों के बाद देखो तुझे। आ जाओ जाओ। मैनेजर साहब, यस सर, काम कब का नहीं होगा, आ जाओ। ओके सर। क्यों गए, तुझे यहाँ आते ही सांप सुन गया, क्या हो गया? बस बचपन में मुझे एक ज्योतिषी ने कहा था। क्या कहा था? कि किसी लड़की से तुम्हारा प्यार थप्पड़ खाने से शुरू होगा और जूता खाने पे खत्म होगा, नहीं समझे? साहब हाँ, मिठाई खाइए। मिठाई किस बात की चांद नारायण? मेरी घरवाली के लड़का पैदा हुआ। अच्छा, ला भाई, लड़का पैदा हुआ है? ये कैसे हो सकता है? क्यों, तुम तो दो साल से घर ही नहीं गए। नहीं गए तुम, क्या हुआ, चिट्ठी पत्री तुम आती जाती है ना? चिट्ठी पत्री आती रहती है। लो भाई मिठाई खाओ, चिट्ठी पत्री की। मैनेजर। यस सर। पिछले महीने जितने शतीर हमने दरिया में डाले थे वो सही सलामत पहुंच गए? जी, मुझे तो ये दरिया से लकड़ी निकालने वाले लोग बहुत बेईमान लगते हैं। बेईमान? जी कुछ भी हो, हमें ऐसे लोगों का पता लगाना होगा। और देखो, ये जो नए फॉरेस्ट आए हैं उनकी तरफ से रोज शिकायतें क्यों आ रही, क्या हमारे आदमी ने वाकई सरकारी दख्त काटे हैं? जी मुझे तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन सरकार, इन सरकारी लोगों का काम ही शिकायतें करना है। बिलावजा वो क्यों शिकायत करने लगे, कोई बात तो होगी। अच्छा देखो, फॉरेस्ट ऑफिसर बख्शी साहब को टेलीफोन करके कल सुबह 9 बजे का वक्त ले लो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ओके सर। नहीं समझे? समझ गया हुजूर। रिस्की, आज से सारा काम तुम खुद संभालो, मैं शाम को फिर आऊंगा। ये बात हुई ना, थैंक यू बॉस, अब नहीं होगा लॉस। ओ डड्डा, घुमाओ घुमाओ। अजी घुमाता हूँ, अभी घुमाता हूँ। ए हरि हर, चलाओ जल्दी करो, काम कराओ। ए दबाओ, ठीक से दबाओ।
जगाकर धोखा दिया। क्यों मेम साहब, मरने का इरादा है क्या? मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन इस वक्त एक दुखियारी को बाजार तक लिफ्ट देना आपके हाथ में है। मगर किस खुशी में जी? मेरे स्कूटर की तबीयत खराब हो गई है, इस खुशी में। आपके स्कूटर की तबीयत खराब है या आपकी नीयत खराब है? What? बदतमीज। ए मेम साहब, अरे सुनिए मेम साहब सुनिए, गुस्सा मत कीजिए प्लीज। दरअसल बात यह है कि आजकल कुछ फैशन ही ऐसा हो गया है, किसी लड़के को देखते ही सड़क छाप लाला का स्कूटर खराब हो जाता है और फिर उसे लिफ्ट की जरूरत पड़ती है, और फिर आए दिन अखबारों में खबरें छपती हैं कि एक लड़के ने एक लड़की को लिफ्ट दिया और अफसाना बन गया। देखिए मैम साहब, मैं हकीकत से पहले अफसाना नहीं बनना चाहता, और फिर मैं ठहरा एक शरीफ आदमी। अगर आप शरीफ हैं तो मैं आपको क्या लगती हूँ? आप पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं यार ऐसी होती है। What nonsense? पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं कि यार ऐसी होती है। पूछे जो कोई भटा घंघोर कैसी होती है, तेरे जैसी होती है और कैसी होती है। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है। गुस्ताखी मैंने कभी की नहीं, मैं क्या पागल हूँ नहीं जी नहीं, वैसे तो मैंने कभी पी नहीं, पर मैं ऐसा बेखबर भी नहीं। पूछे जो कोई मुझसे शराब कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं जनाब ऐसी होती है। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं कि यार ऐसी होती है। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है। तुझको क्यों आई है या क्या पता, तू क्यों है मुझसे खफा क्या पता, ना जाने जन्नत क्या है क्या पता, मुझको ये बातें भला क्या पता। पूछे जो कोई मुझसे हूर कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं हुजूर ऐसी होती है। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं कि यार ऐसी होती है। पूछे जो कोई घटा घंघोर कैसी होती है, तेरे जैसी हो।
कैसी होती है। बस हो सके तो एक ग्लास ठंडा पानी पिला दीजिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। लकी का पानी लकी लकी गो आइए आइए। आप जी, मैं गलती से फॉरेस्ट ऑफिसर के बंगले पे आ गया, दरअसल मुझे आपसे मिलना था। जी जी, मेरा मतलब है मैं गलती से आपके बंगले पे आ गया, दरअसल मुझे फॉरेस्ट ऑफिसर से मिलना था। आप ठीक बंगले में आए हैं, मुझे बख्शी कहते हैं, आपकी तारीफ। आप बख्शी तो दीदी मुझे बख्शी कहते हैं। जी मुझे रोहित कहते हैं, रोहित। ओ मिस्टर रोहित, बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। जी आइए अंदर चलिए। जी अंदर नहीं, अंदर नहीं, यहाँ बाहर ही ठीक है, बाहर ही ठीक है। आप शर्मा रहे हैं, आइए। जी मैं शर्मा नहीं रहा, जरा घबरा रहा हूँ बख्शी साहब। भाई घबराने की क्या जरूरत है, आइए मेरे बख्शी साहब। आज जरा मुहूर्त गीला हो गया, मैं कल आपको आपके ऑफिस से मिलूंगा। मैं आपको इस हालत में नहीं जाने दूंगा, आपको मेरे साथ चलना होगा। अगर बख्शी साहब मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात। नीना। यस सर। नीना इनसे मिलो। अरे आप पीछे क्यों खड़े रह गए, आगे आइए। बेटी ये है मिस्टर रोहित, यहाँ के जंगलात के सबसे बड़े ठेकेदार, और ये है मेरी बेटी नीना। नीना तुमसे कितनी बार कहा है कि लकी को बांध के रखा करो, देखो उसने इनकी क्या हालत कर दी है। जाने दीजिए बख्शी साहब, इसमें बेचारे लकी का क्या दोष है। नीना इनको मेरा गाउन दो, और रसीली से कहो कि इनके कपड़े फौरन प्रेस कर दे। आइए। ये समझ में नहीं आता, शुक्रिया आपका अदा करूं या लकी का। फिलहाल तो डैडी का कीजिए। जी बहुत अच्छा। सुनिए हो सके तो एक कप गरम गरम चाय मेरे लिए। जी इलायची डाल के, इलायची डाल के। थैंक यू वेरी मच। हाँ वो तो ठीक है दीवान साहब, लेकिन इसके लिए मुझे पूरा फाइल देखना पड़ेगा। आप ऐसा कीजिए कल सुबह दफ्तर में आ जाइए। आइए आइए मिस्टर रोहित, आइए। बख्शी साहब आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ। मिस्टर रोहित माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। बख्शी साहब दरअसल मैं आपसे ये कहने आया था, आपके ऑफिस से हमें काफी नोटिस मिल चुके हैं। ओ यस मिस्टर रोहित, आई मस्ट फ्रैंक विद यू। जी मुझे ऐसा मालूम होता है कि आपके दफ्तर में कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर कानूनी काम करने से डरते नहीं। बख्शी साहब शायद आप ठीक कहते हैं, मगर मगर अब तो मैं खुद यहाँ आ गया, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक, गुड मॉर्निंग मिस्टर बख्शी। आइए आइए डॉक्टर साहब। मिस्टर रोहित आप चाय पीजिए, मैं इंजेक्शन लगवा के अभी आता हूँ। तो आपकी तबीयत तो ठीक है ना। अरे भाई हम ठहरे दिल के मरीज, अब तो इंजेक्शनों के सहारे ही जिंदगी कट रही है। चलिए डॉक्टर साहब। शक्कर कितनी? जी शक्कर का शुक्रिया, शुक्र के दिन मैं शक्कर नहीं पीता। तो क्या आप फीकी चाय पियेंगे? जी नहीं, बस एक नजर डाल दीजिए, चाय खुद ब खुद मीठी हो जाएगी। बड़े बातों नहीं है आप, बस आपकी सोबत का असर है, वरना बंदा किस काबिल है। क्या बातें हो रही है मिस्टर रोहित। अब साहब कुछ नहीं, चाय की तारीफ कर रहा था। तो बेटी एक कप हमारे लिए बनाओ। बख्श साहब कल शाम मैंने कुछ लोगों को अपने घर पे खाने पे बुलाया है, अगर तकलीफ ना तो आप भी आइए। आप बुलाएं और हम ना आए? नीना जी आप भी आएंगी ना? जी इसे तो आना ही पड़ेगा, इसके बगैर मैं किसी पार्टी में नहीं जाता। साहब कपड़े प्रेस हो गए,
एक्सक्यूज मी। आपके डैडी पियानो बहुत अच्छा बजाते हैं। जी हाँ, मुझे याद है जब मैं छोटी थी मामी गाया करती थी और डैडी पियानो बजाया करते थे। उन्हें पियानो का बेहद शौक है। आपके क्या क्या शौक हैं? मेरे शौक कुछ अलग से हैं। मसलन? बैडमिंटन, स्विमिंग, शायरी। अजीब हुस्न इत्तेफाक है, मैं भी इसी शौक का मारा हुआ। बैडमिंटन और स्विमिंग में तो कॉलेज में चैंपियन था, वही शायरी वो तो जिंदगी भर का रोग है। जहां कहीं हुसन देखता हूँ दिल धड़कने लगता है, होंठों पे शेर मचलने लगते हैं। तो फिर सुनाइए कोई शेर। पहले आप। पहले आप? जी नहीं, पहले आप। जिंदगी बनकर नशा कुछ ऐसी लहराई के बस, क्या कहूं हर सांस ने वो आग भड़काई के बस। दिल लगी कुछ देर की, हाय बन गई दिल की लगी, बातों बातों में यहां तक बात बढ़ आई के बस। बहुत खूब, कुछ आप ही कहिए ना। ये नजर उनकी नजर से ऐसी टकराई के बस, होश रुखसत हो गए वो बेखुदी छाई के बस। जुल्फ बिखरी और लिपटकर मेरे दिल से रह गई, मेरी दुनिया खुशबुओं से ऐसी महकाई के बस। इस खादिम को रोहित कहते हैं। नीना जी, पिछले कुछ दिनों में हम दोनों इतनी बार एक दूसरे के रास्ते में आए कि इसे महज एक इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। कहीं ये तकदीर की साजिश नहीं? मैं जब भी देखता हूं मेरा दिल बस आप ही का नाम ले रहा होता है। हुजूर, मेरी मोहब्बत का तुम यकीन कर लो, कहीं न उम्र गुजर जाए आजमाने में। मैंने तो सोच लिया है अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा। खुदा तराश लिया हमने बंदगी कर ली। नीना जी, इस नाचीज की बंदगी कबूल करने के लिए आपको आज शाम 4 बजे अमृत चश्मे के पीछे पहाड़ी के पास आना होगा। कहिए, आएंगी ना? मैं नहीं आऊंगी। मैं फिर भी आपका इंतजार करूंगा। मैं नहीं आऊंगी। मैं फिर भी आपका इंतजार करूंगा। मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। मैं फिर भी आपका इंतजार करूंगा। जमाने पे
मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई आप आए बाहर आई हो सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई आप आए बाहर आई हो आपका ही था सबको इंतजार आपका ही था सबको इंतजार आपके लिए सब थे बेकरार हवाएं घटाएं फिजाएं बागों में झूलों ने ली झूम के अंगड़ाई आप आए बाहर आई हो सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई आप आए बाहर आई हो आपने किया आके एहसान आपने किया आके एहसान था ये वीराना अब है गुलिस्तान पुकारे नजारे ये सारे गुलशन की गलियों से सुनिए आवाज ये आई आप आए बाहर सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई आप आए बाहर आई हो लीजिए ना बस अब जाने का नाम लीजिए ना बस अब जाने का नाम रूठ जाएंगे जलवे ये तमाम ये बस्ती ये मस्ती ये हस्ती ऐसा ना हो जाए बन जाए ये महफिल फिर तन्हाई आप आए बाहर सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई आप आए बाहर आई हो रोहित अब तक कहां थे तुम पता नहीं नीना कि मैं अब तक था भी या नहीं ऐसा लगता है जैसे दिल ने अभी भी धड़कना शुरू किया है जैसे अभी भी मेरी आंख खुली हो और चारों तरफ तुम्हारा ही प्यार दिखाई देता है
कितनी अजीब बात है, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मैं सोच भी नहीं सकी कि तुम्हें मेरी जिंदगी की मंजिल हो। नीना, जिंदगी को मंजिल मिल गई और मंजिल को जिंदगी। कितना खूबसूरत मिलाप है। सच सच। आओ मासी आओ, बहुत दिनों के बाद इस नालायक भांजे की याद आई। आई तो सही, लेकिन तुम्हें तो कभी मौसी का ख्याल ही नहीं आता, फिर भी मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करती रहती हूँ। अच्छा, अभी क्या किया? देखो ये आखिरी फोटो लेकर आई हूँ, इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की तो मैं नहीं ढूंढ सकती। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये बात हुई ना मौसी, ऐसा लगता है जिंदगी भर कुंवारे रहने की कसम तोड़नी पड़ेगी। अगर तस्वीर में ये कशिश है तो तस्वीर वाली कैसी होगी। ठीक है मौसी, चला दो अपनी शादी का चक्कर यहाँ। हो गए ना लट्टू, फिर दो अपनी तस्वीर। तस्वीर? तुम क्या समझते हो, लड़की तुम्हारी तस्वीर नहीं देखेगी? हाँ हाँ, देखती है तो देखने दो। यारों की तस्वीर देखकर इसकी भी यही हालत होगी जो अपनी हुई है। सारी लकड़ी तो शाम घाट पर उतार देना और नंबरदार से कहना कि बाकी माल की जल्दी उम्मीद ना रखे, मालिक आए हुए हैं। बदमाश कुत्ते, नमक हराम, मैं पहले से ही जानता था मगर अपनी आंखों से देखना चाहता था। मालिक मालिक मुझे माफ कर दीजिए। मालिक माफ, मालिक कमीने जलील, फिर कभी अपनी सूरत मुझे दिखाई तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। लाजो बहन, लड़का देखने में तो अच्छा मालूम होता है। भैया, चिराग लेकर ढूंढने से भी सारी दुनिया में ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। लेकिन ये है कौन? ये एक मेरी सहेली का लड़का है, बहुत बड़ा खानदान, लाखों का कारोबार, वहां जाकर नीना बेटी राज करेगी राज। अरे आंटी, तुम कब आई? अभी आई हूँ। नीना बेटी, लाजो बहन तुम्हारे रिश्ते की बात लेके आई है। ओ डैडी, ये देखो फोटो। माय डियर आंटी, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार डैडी ने मुझे दे रखा है। जिस दिन वो शुभ घड़ी आएगी मैं तुम्हें तार करके बुला दूंगी। बाय बाय। बाय डैडी। अजीब लड़की है। बच्ची है, इसकी बात का बुरा नहीं मानते। कैसा तेरी याद सताती।
जाने जाने दर्द ये कैसा है, तुम तो भी तो ऐसा कैसा ही कुछ होता होगा ओ सजनी। कैसा कैसा तारे गिनता मैं रहता हूँ, जागता रहता हूँ रातों में, तारे गिनता मैं रहता हूँ, जागता रहता हूँ रातों में। शर्माने क्या बात है, मैंने माँ को सब कुछ लिख दिया हुआ। नहीं नहीं मैं जाती हूँ। रोहित माँ ये है नीना। बस मेरा तो यही सपना था, रोहित मुझे तो बहू बहुत पसंद है। माँ जी रोहित से भी तो पूछ लीजिए, उसे भी बहू पसंद है या नहीं। रोहित से तुम पूछो, मैं तो बहू से पूछूंगी कि उसे मेरा रोहित पसंद है कि नहीं। क्यों बहू? मेरी अच्छी माँ। माँ जी कुछ मेरा भी तो सोचो, मैं यहाँ कब से टकरे मार रहा हूँ। क्यों कोई लड़की तुमसे नहीं टकराई? टकराई, टकरा के घबराई, घबरा के शर्माई, ऊपर से उसकी मम्मी चली आई, इसलिए लड़की आज नहीं आई। तुम डरे मत करो जी। बात कर बहन जी, आपके यहाँ आ जाने से मेरी एक हसरत पूरी नहीं हुई। मैंने सोचा था कि नीना के लिए झोली फहराकर लड़के वालों के यहाँ जाऊंगा, लेकिन यह हसरत दिल में ही रह गई। भाई साहब यहाँ तक आने के लिए तो मुझे चार कदम चलने पड़े, नीना जैसी बहू के लिए कोसों भी चलना पड़ता तो भी कम था। बहन जी ये तो मेरी खुशकिस्मती है,
कि रोहित जैसा हीरा मुझे घर बैठे ही मिल गया। मेरी मानिए तो आप इन दोनों की मंगनी जल्दी से कर डाली। मैं भी यही सोच रहा हूँ, अगर हमने देर कर ली तो एक दिन दोनों आकर कहेंगे हमने शादी कर ली, हमें आशीर्वाद दीजिए। चलो नीना, जिंदगी की एक और मंजिल तय हो गई। तुम्हें पाकर ऐसा लगता है मेरे बाजू में एक दुनिया से मिटाई हो। मैं तो खुशी से पागल हो गई हूँ रोहित, कहीं कहीं मेरे दिल की धड़कन न रुक जाए। जान मेरी, अभी तुम्हें बहुत सी खूबसूरत मंजिलों से गुजरना है। अभी तो मंगनी होगी, फिर शादी, फिर और फिर हम दोनों वक्त के साथ रंगों में झूलते हुए एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जहां यकायक किसी के रोने की आवाज आएगी। रोने की आवाज? किसकी? नन्ने मुन्ने की। चलो हटो। अरे मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया है, दीपक। कैसा नाम है? अच्छा है। फिर एक दिन दीपक भी बड़ा होगा, फिर उसकी भी मंगनी होगी, फिर उसकी भी शादी होगी और उसके घर भी एक दीपक पैदा होगा। बस बस बस, तुमने तो एक पल में ही बूढ़ा बना दिया। पोते पोतियों तक पहुंच गए, और हकीकत तो ये है कि अभी तक हमारी मंगनी भी नहीं हुई। बिना देखे फोटो फाड़ती, इतनी बेइज्जती। घबराओ नहीं बेटा, मैं जो हूँ दुनिया में अच्छी और खूबसूरत लड़कियों का काल नहीं पड़ गया। नहीं मौसी, अगर मैंने उस सरफरी लड़की का गरूर नहीं तोड़ दिया तो मेरा नाम भी कुमार नहीं। हेलो हेलो, ओ कौन? रोहित, कैसे हो यार मेरे? अरे पूछो मत कैसा हूं, बस परसों तक तुम यहां पहुंच जाओ। अरे भाई ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ गई? अरे तेरे यार दिलदार रोहित कुमार ने मैदान मार लिया है, मोहब्बत के इम्तिहान में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया हूँ। परसों मेरी मंगनी हो रही है, जरूर पहुंच जाना। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, खूब किस्मत पाई है यार। और एक हम है कि मोहब्बत के इम्तिहान में दाखिला ही नहीं मिल रहा। खैर इतना तो बता दो कि हमारे यार दिलदार को जिसने इतनी जल्दी अपनी जुल्फों में कैद कर लिया है वो है कैसी? बेटा देखोगे तो होश उड़ जाएंगे, जरा दिल थाम के आना। अरे घबराओ नहीं यार, अपना दिल बहुत मजबूत है। अच्छा रोहित मैं पहुंच जाऊंगा। ओके मौसी, ये बददिमाग लड़की कहां की रहने वाली है? मौसी मौसी, आइए आइए मेरे रोमियो। यार मेरे दिलदार, मेरे देखा पहुंच गया ना इन वक्त पर। अरे ब्लफ मास्टर नहीं पहुंचता तो मार मार के हुलिया नहीं बिगाड़ देता। आजा बख्शी साहब, ये है मेरे फादर ला बख्शी साहब और ये मेरा दोस्त है कुमार। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर मिस्टर कुमार। ऐसा मालूम होता है मैंने पहले भी कहीं आपको देखा है। आपने इनको लंदन में देखा होगा। जी लंदन? अरे भाई लंदन तो मैं कभी गया ही नहीं। लंदन तो ये भी नहीं गए। भाई गेट मी वन हॉर्लिक्स, हरी अप नाउ, हरी अप। अबे चल तुझे तेरी भाभी से मिलाऊं। नीना इस कबूतर से मिलो, ये मेरा प्यारा दोस्त कुमार। नमस्ते। नीना बेटी जरा इधर आना। एक्सक्यूज मी। क्यों बे कैसी लगी? होश उड़ गए। यार कुमार, रोहित ने हमें एकदम पीछे छोड़ दिया, नहीं समझे? लेकिन अभी तो इसकी सगाई हुई है, हम चाहें तो अभी इससे आगे निकल सकते हैं।
मैंने तो शादी का इरादा ही छोड़ दिया है। वो क्यों? क्या करें, जहां भी शादी की एप्लीकेशन भेजता हूं रिजेक्ट होकर आ जाती है। अरे हैंडसम, एप्लीकेशन के साथ साथ अपनी तस्वीर भी भेज के देखो, मजाल है किसी की जो रिजेक्ट कर दे। फोटो भी भेज कर देख ली, फिर वो भी बिना देखे फाड़ती गई। इससे मुझे याद आया, एक बार मैंने भी किसी घनचक्कर की तस्वीर बिना देखे फाड़ दी। ओ आई सी, कहीं वो घनचक्कर तुम ही तो नहीं थे? रोहित, मैं आज रात की गाड़ी से वापस जाना चाहता हूँ। अबे कौन कम वक्त तुम्हें जाने देगा, आज रात तो सीताबनी के लोगों ने हमारी सगाई की खुशी में शानदार जश्न रखा है। रात डाक बंगले में रहेंगे, खूब मजा आएगा। क्यों इसकी नशा आएगा, नहीं समझे? Woo!
ससुरी का मनवा चोले दिलदार मेरे डांस खत्म होने से पहले चले ऐसे ही जरा तबीयत खराब हो गई किसकी चले लीजिए इतना खूबसूरत डांस देखें कि तबीयत खराब अबे जालिम तुमने देखा और खूबसूरत आइटम मिस की क्या खाना खिलाया उन लोगों ने पूछो नीना से मजा आ गया और आपने रिस्की है ना उसने तो इतना खाया कि वहीं ढेर हो तुमने खाना खाया भूख नहीं लगी अरे तबीयत इतनी खराब थी तो सो गए होते नींद नहीं आई ओफो भूख नहीं लगती नींद नहीं आती जाने तुम्हें हमारे वाला रोग कहां से लग गया कोई चक्कर नहीं चल गया नहीं यार अपने से नसीब का खास आप लोग आराम कहां जा रहे हो भाई ऐसे जरा शिकार खेलते लीजिए मियां शिकार खेलने जा रहे अच्छा रोहित मुझे भी नींद आ रही है गुड नाइट आज तो गुड मॉर्निंग करने को जी चाहता है डार्लिंग आउच यहाँ क्या कर रहे हो जाओ सो जाना नींद नहीं आती कोशिश करो आंख लग जाएगी क्या करें जब से आंख लगी है आंख नहीं लगती नीना अब तो मैं एक पल भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता रह तो मैं भी नहीं सकती मगर कुछ दिन रहना ही पड़ेगा शादी होने तक शादी किसी पंडित के चार मंत्रों से नहीं होती जान मेरी शादी तो प्यार भरे दिलों की होती है सो वो तो कब की हो चुकी तुम ऐसे नहीं मानोगे चलो जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ
नीना दरवाजा खोलो। नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। देखो नीना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। मुझे मनाना आता है। गुड नाइट रोहित, गुड नाइट। रोहित तुमसे रूठ गया है, तुमने उसका दिल तोड़ दिया। सारी रात वो नहीं सो सकेगा, तुम्हें भी किसी करवट चैन नहीं आएगा। जाओ नीना, उससे कहो कि तुम उसी के हो, तुम्हारा सब कुछ उसी का है। प्यार से वो तुम्हारी बात मान जाएगा, जरूर मान जाएगा। रोहित, रोहित, तुम तो छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाते हो। मैं तुम्हारी हूं और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। तुम भी कहो कि तुम भी मेरे हो और हमेशा के लिए मेरे रहोगे, कहो ना।
इसकी बहुत बड़ी कीमत देनी होगी। नमस्ते साहब। नमस्ते। मैं आप ही के पास जा रही थी, बीबी जी ने आपके लिए चिट्ठी दी है। चिट्ठी? बीबी जी कहाँ? अपने कमरे में है। रोहित, तकदीर ने हमारे रास्ते अलग अलग कर दिए हैं। तुम्हारी मंजिल है, मेरी कोई मंजिल नहीं। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाओ रोहित, पीछे मुड़कर देखने से कुछ नहीं मिलेगा। दरवाजा खोलो नीना, नीना दरवाजा खोलो। Yeah.
लेती तेरे बदले मैं रो लेता, मुझे काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता। अगर तू नहीं आता किनारा मिल गया की पसंद की होनी चाहिए। हम लोग ठहरे पुराने जमाने के, आए दिन फैशन बदलते रहते हैं। मुनासिब यही समझा कि सारे गहने नीना को दिखा दिया जाए। क्यों नहीं, क्यों नहीं भाई साहब, अब तो जी यही चाहता है कि बहुत जल्दी से घर आ जाए। बहन जी, मैंने तो अपने कुल पुरोहित से पहले ही मुहूर्त निकलवा लिया है, अगले महीने की 5 तारीख की शादी पक्की। सच? ये शादी नहीं होगी। इनकी बातों पर ना जाइए भाई साहब, बच्चे हैं, हो सकता है झगड़ा हो गया हो, कल फिर एक हो जाएंगे। ये सारे जेवरात मैं यहाँ छोड़े जा रही हूँ, आप नीना से पसंद करवा लीजिए। नीना बेटी, क्या रोहित से झगड़ा हो गया? नहीं। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो फिर तुमने इतनी बड़ी बात रोहित की माँ के सामने कैसे कह दी? बेटी, तुम कहीं और शादी करना चाहती हो? तो फिर बताती क्यों नहीं कि क्या हुआ? मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा कि ये रिश्ता क्यों टूटा? मेरे लिए तो समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। देखो नीना, तुम्हारे सिवाय मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं। तुम्हारी सांसों के साथ मेरी जिंदगी का तार बंधा हुआ है। तुम जब हंसती हो तो मैं सोचता हूं चंद दिन और जी लूं। तुम्हें हंसता हुआ देखने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और क्या कुछ नहीं कर सकता। बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूं, बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं चाहती डैडी, कुछ नहीं चाहती। बस ये शादी नहीं होगी। मगर क्यों? मैं नहीं बता सकती। अगर तुम नहीं बताओगी बेटी तो तुम्हारी माँ को क्या कहूंगा? तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने हाथों तुम्हें दुल्हन बनाकर उसके पास जाऊं, लेकिन अब क्या मुंह लेकर जाऊंगा? जब वो पूछेगी नीना के पिता बनाया है मेरी बेटी को दुल्हन, कर आए उसके हाथ पीले, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? जिद ना करो बेटी, जिद ना करो, बता दो क्या बात है। मैं अपने बूढ़े बाप और स्वर्गवासी माँ की सौगंध है, माँ की सौगंध। मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं अब उस देवता के काबिल नहीं रही।
स्टेशन। खतरे कोई बात नहीं मिस्टर रोहित, शी इज परफेक्टली ऑल राइट। जरा कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था, दरअसल नीना देवी मां बनने वाली। किस सोच में पड़ गए रोहित? पगले, तुमने नीना से प्यार किया है, उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो, उसे इस भंवर से निकाल लो। उसका इस दुनिया में और कौन है? थाम लो उसका हाथ और तोड़ दो वो चट्टाने जो तुम दोनों की जिंदगी के रास्ते में आ गई है। यही तुम्हारे प्यार के इम्तिहान का वक्त है, यही तुम्हारे प्यार के इम्तिहान का वक्त है, यही तुम्हारे प्यार के इम्तिहान का वक्त है। मरने नहीं दूंगा, मैंने तुमसे प्यार किया है और प्यार नाम है एक साथ डूबने का, एक साथ पार उतरने का। अगर तुम्हें मरना ही है तो आओ मेरे साथ, दोनों एक साथ इन मौत की गहराइयों में उतर जाते हैं। नहीं रोहित, नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, हट जा मेरे रास्ते से। नीना, हमारे रास्ते एक हैं। अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें भी ये मौत का रास्ता छोड़ना होगा। मगर ये कहाँ का इंसाफ है कि मैं किसी का पाप तुम्हारे गले में डाल दूं? पाप? आओ मेरे साथ। देखो नीना, शंकर भगवान को देखो, गले में कितने सांप डाल रखे हैं इन्होंने। कहते हैं
संसार को बचाने के लिए उन्हें जहर भी पी लिया था, इसीलिए तो शिव कहलाते हैं। जानती हो नीना, इनकी शक्ति कौन है? पार्वती। नीना, अगर तुम भी मेरी शक्ति बन जाओ तो जिंदगी का जहर मेरे लिए अमृत हो जाएगा। जिस बच्चे को तुम जन्म दोगी उसे अपनाकर मुझे फख्र महसूस होगा। नहीं रोहित, मैं अपनी नजरों से हमेशा के लिए गिर जाऊंगी। पगली, मेरी पलकों पर बैठकर तुम अपनी नजरों से कैसे गिर सकती हो? यह हादसा हमारे साथ शादी से चंद दिन पहले हुआ। मान लो नीना, अगर ऐसा शादी के बाद हो जाता तो क्या हमारी रूहों का रिश्ता टूट जाता? नीना, मेरे प्यार को इतना छोटा मत समझो। लेकिन रोहित, मुझे अपना कर तुम्हें जिंदगी भर अपने आप से लड़ना होगा। नीना, जिंदगी की हर बड़ी लड़ाई इंसान अपने आप से ही लड़ता है, अपने ही अंदर। इंसान महाभारत जैसी कई लड़ाइयों से गुजर जाता है। आओ, भगवान को साक्षी मानकर हम भी जिंदगी किस मंजिल से गुजर जाए। देखने के बाद ये बात समझ में आई कि भगवान ने मुझे आंखें क्यों दी। अरे, ये क्या करती हो? रोहित, लोग तो सिर्फ भगवान की बातें करते हैं, मगर आज मैंने उसे अपनी आंखों से देख लिया है। नमस्ते सरकार। तुम? जी, नौकरी की उम्मीद लेकर आया हूं। राहत की नौकरी छोड़ दी क्या? अजी, नौकरी क्या, गांव तक छोड़ दिया। उस गंदे माहौल में तो सांस घुटने लग गया था। क्या मतलब? अजीब जमाना आ गया है सरकार। नीना देवी शादी से पहले ही मां बनने वाली थी, इसी डर से तो रोहित बाबू ने उनसे शादी कर ली। मां बनने वाली थी? राहत ने शादी कर ली। खैर, तुम जाओ कल आना। बहुत अच्छा सरकार। जी मैम साहब जी, पहले नाश्ता कर। भूख नहीं। क्यों भाई? सुबह सुबह कुछ खाने को दिल नहीं करता। तो फिर दूध पी लो। दूध पी लेता हूँ। अरे तुम पियो, पियो ना। और बस बस छोड़ो ना। क्यों छोड़ दिया? अच्छा
सुनो, दोपहर खाने पे घर आओगे? हाँ, अच्छा जाओ। तो नीचे छोड़ दो। यहाँ आने की जरूरत कैसे हुई? जा जा यहाँ से। मेरी बात तो सुनो रोहित। मैं तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। जलील बेशरम, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। रोहित, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल चुकी है। रोहित, मेरा जमीर दिन रात मुझे लानत भेजता रहता है। मेरी काली करतूत हर वक्त मेरे कटेजे को नोचती रहती है। मेरी मदद करो रोहित, मेरी मदद करो। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। सिर्फ मौत ही तुम्हारे पाप का प्रायश्चित है। जाओ डूब मरो किसी गंदे नाले में। नहीं रोहित, नहीं। दुख तो इस बात का है कि मरकर भी मेरी आत्मा को चैन नसीब नहीं होगा। मुझे जब से मालूम हुआ है कि बेसहारा नीना मेरे बच्चे की माँ बनने वाली। कुत्ते, अगर ये बात फिर तुमने अपनी गंदी जबान पर लाई तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। तुम शायद नहीं जानते कि नीना अब मेरी बीवी बन चुकी है। बीवी? तो क्या तुमने उससे शादी कर ली? हाँ, तुम्हारी दरिंदगी का शिकार होकर जब नीना को यह पता चला कि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, तो उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहा। लेकिन मेरे प्यार ने आगे बढ़कर हमेशा के लिए उसका दामन थाम दिया। मगर वो बच्चा कुमार, नीना मेरी जिंदगी है और वो जिस जिंदगी को भी जन्म देगी उस पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा। अगर तुम अपनी जान की खैर चाहते हो तो ये मनहूस सूरत लेकर यहां से दफा हो जाओ। गेट आउट। तुम्हारी दरिंदगी का शिकार होकर जब नीना को यह पता चला कि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहा। लेकिन मेरे प्यार ने आगे बढ़कर हमेशा के लिए उसका दामन थाम दिया। मेरी सूरत बिगाड़ने वाले, अब तुम मेरे हाथों से बचकर कहां जाओगे? चाबी माता जी को दे। हेलो बॉस, जहाँ जाने की तैयारियां हैं? बैरिस की हम लोग एक दो दिन के लिए शहर जा रहे हैं। तुम पीछे से काम का ध्यान रखना। ओके बॉस, ओके। अरे भाई, ये क्या ड्रामा है? आगे से कमीज अंदर, पीछे से बाहर। दरअसल बात ये है, सामने से मेरी कमीज फट गई है इसलिए पैंट के अंदर कर ली, पीछे से पैंट फट गई इसलिए कमीज बाहर कर ली। नहीं समझे? यार लिमिट, यार यू आर ए लिमिटेड बॉस। हैव अ गुड टाइम बॉस। हेलो हेलो बॉस, गजब हो गया बॉस। दिल्ली जिस गाड़ी में माल लेके जा रही थी उसे पुलिस ने पकड़ लिया बॉस। सच सच बताओ, ये माल किसका है? हम कुछ नहीं जानते। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं, इस जुर्म में तुम अकेली नहीं हो। बताओ तुम्हारे गैंग में और कौन कौन है? बताओ, वरना तुम्हें अकेले ही जेल की हवा खानी पड़ेगी। नहीं बताओगी? ओ Yeah,
मजा आ गया। जिस प्यार से तुम मिलते हो आजकल कोई दोस्त नहीं। क्यों शर्मिंदा करते हो यार, को मौका ही दिया सेवा करने का। अच्छा भैया फिर मिलेंगे। नमस्ते भाभी। अरे कमल मेरा बैग तो तुम्हारे घर ही आ गया। आओ। एक्सक्यूज मी, आपने किसी आदमी को इधर से भागते हुए देखा है? क्या बात है इंस्पेक्टर? एक आदमी किसी का फोन करके भाग गया है। फोन? हैंड्स अप, उठो उठो जल्दी, गिरफ्तार कर लो इसे, ले चलो। डॉक्टर आप बहू तो ठीक है ना? मुबारक हो माँ जी, आप दादी माँ बनने वाली हैं। सच? हाँ। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मैं इसी दिन के लिए तो जी रही थी। मुंह मीठा करके जाना। अरे चांदनारायण जाके मिठाई ला, रोहित को फोन कर, मैं बहू को देख लूं, उसने तो घर में उजाला कर दिया। आप क्या लड़का पैदा हुआ है, आप अब अंदर जा सकते हैं। मेरा लाजा मेरा लाज दुलाला, ये ले बेटा, बधाई हो, बधाई हो बहू। दीपक मुबारक हो नीना। रिस्की तभी बन जा घोड़ा। नहीं नहीं पापा, हम गधे पे नहीं घोड़े पे बैठेंगे। अबे गधे, मैं तुम्हें गधा नजर आता हूँ? अच्छा बेटा हम घोड़ा बनते, आ जा बैठ जा घोड़े। अच्छा घोड़े टिक टिक, घोड़ा चलाता है घोड़े टिक टिक। नमस्ते छोटे सरकार। नमस्कार। क्यों राम, कल तुम बीमार थे ना? जी सरकार। तो आज काम पे क्यों आए? छुट्टी नहीं थी छोटे सरकार। तो जाओ, हम तुम्हें छुट्टी देते हैं, तुम घर जाके आराम करो। क्यों माधव, तुम काम पर भी पीड़ित हो, ये बहुत बुरी बात है। आइंदा नहीं पीऊंगा छोटे सरकार। मैनेजर जी। छोटे सरकार, काम के वक्त जो बिल दिया उसकी तनख्वाह से 5 रुपए काट दो, नहीं समझे? समझिए छोटे सरकार। अगर नहीं काटे तो तुम्हारी तनख्वाह से 10 रुपए काट दिए जाएंगे। रिस्की बच्चे, तुमने हमारे जमाने में बड़ी ऐश की, अब ये तुम्हें सीधा करेगा, नहीं समझे? समझ गया बॉस। समझ जाओगे। आओ। अच्छा कुर्सी के पीछे छुपा हूँ। नहीं बताऊंगा। दादी आ जाओ।
अरे ये कहाँ चला गया मेरा राजा, चोर को कहाँ ढूंढूं? ए चोर पकड़ा गया जावा से राजा बेटा। अरे दादी ने तुमको चोर बना दिया बेटा, चोर इधर आओ जा। हजारों साल जिए तू हजारों साल।
कुछ हो जाए तो क्या हो मेरा हाल, जिए तू हजारों साल, आजा गले लग जा मेरे राज दुलारे तारे। गगन पे तारे तेरी उम्र हो इतने साल जितने नील गगन पे तारे। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। नमस्ते ना जी। लगता है आप लोग मुझे भूल गए, लेकिन मैं किसी को नहीं भूला। अरे कुमार तू ये क्या हुलिया बना रखा है, कहाँ था तू इतने सालों से? बहुत बड़े बिजनेस के लिए बहुत दूर गया हुआ था माँ जी, आज ही आया हूँ। आते ही पता चला कि रोहत के बेटे की सालगिरह है, सो चला है। अरे हाउ स्वीट। लो बेटा लो, बिल्कुल रोहत पर गया है, क्यों नहीं देगी? कुमार मेरे साथ आओ। जेल से भाग कर आए हो? हो तो ज्योतिष विद्या भी सीख ली तुमने? क्यों आए हो, क्या चाहते हो? चाहता तो बहुत कुछ था, लेकिन अब इरादा छोड़ दिया है। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि अब सिर्फ एक सौदा करने आया हूं। सौदा? हिंदुस्तान में रहना मेरे लिए बेकार है, चाहता हूं किसी शानदार मुल्क में जाकर अपना शानदार धंधा जमाऊं, लेकिन उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, और पैसा मुझे सिर्फ तुमसे मिल सकता है। तुम इस तरह से बाज नहीं आओगे, अभी पुलिस को टेलीफोन करता हूं। तुम्हारी दरिंदगी का शिकार होकर जब नीना को यह पता चला कि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहा, लेकिन मेरे प्यार ने आगे बढ़कर हमेशा के लिए उसका दामन थाम दिया। मगर वो अच्छा कुमार मेरी जिंदगी है। सुन लिया, तुम्हारे ही कहे हुए अल्फाज हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। शैतान कमीने, हाथ हटाकर बात करो। जब मैं दुनिया भर के लोगों से चीख चीख कर कहूंगा कि ये बच्चा मेरा है, तो जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? आज जिस खानदान की शानो शौकत से लोगों की आंखें चुंधिया जाती हैं, वो उस खानदान के नाम पर थूकेंगे। तुम्हारी बूढ़ी माँ सदमे की ताप न लाकर दम तोड़ देगी। तुम कहीं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, तुम पागल हो जाओगे, पागल। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? मैंने दोस्ती का नाजायज फायदा कभी नहीं उठाया। अगर 15 लाख रुपए तुम आज इसी वक्त मुझे दे दो, तो मैं तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाऊंगा, और ये टेप भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। 15 लाख? मगर इतना रुपया मैं कहां से लाऊंगा? इज्जत के लिए तो इंसान अपनी जान पर भी खेल जाता है, ये तो सिर्फ 15 लाख का सवाल है। लेकिन इतनी बड़ी रकम के इंतजाम के लिए मुझे मुझे कुछ मोहलत चाहिए। कुमार इतना कमीना नहीं कि तुम्हें थोड़ी सी मोहलत भी न दे सके। मैं कल फिर आ जाऊंगा। याद रखना, चालाक बनने की कोशिश न करना। हम तो जेल से भाग कर आए हैं, वापस भी चले जाएंगे, मगर तुम अपने अंजाम से बच नहीं पाओगे। यार मेरे, दिलदार मेरे। हेलो
आपका बंदोबस्त हुआ या नहीं? नहीं कुमार, मैंने लाख कोशिश की मगर कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो मेरी सारी जायदाद गिरवी रख के मुझे 15 लाख रुपए दे दे। बस थोड़े दिनों की मोहलत और दे दो। मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बात में नहीं आऊंगा। मैंने तुम पर तरस खाकर एक दिन की मोहलत दी थी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। बोलो, इस टेप की कीमत देते हो या नहीं? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं कुमार, मेरी बात का यकीन करो। मैं अब तुम्हारे धोखे में नहीं आ सकता। अब तुम अपनी बर्बादी का तमाशा खुद देखोगे। कुमार, हे राम, ऐसा अनर्थ धरती क्यों नहीं फट जाती कि मैं उसमें समा जाऊं? हमारे खानदान के साथ ऐसा होना था, मुंह काला कर दिया है मेरा। मैं तो जाती हूं कहीं डूब मरने। मां, मर गई तेरी मां। तूने उसे जीते जी मार डाला है। तूने अपने स्वर्गवासी पिता की आत्मा को धिक्कार दिया है। तुझे बेटा कहते हुए मुझे शर्म आती है। इस घर के माथे पे इतना बड़ा दाग लगाना था तो मुझे जान क्यों नहीं देंगे तूने अपने हाथों से? हट जा मेरे रास्ते से। नहीं नहीं माँ जी, आप कहीं मत जाइए। मैं ही यहाँ से जाती हूँ दीपक को लेकर। फिर कभी मेरी छाया भी आप पर नहीं पड़ेगी। कर्मुही, सत्यानाश कर दिया है तूने मेरे भरे भरे घर का। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। क्यों मारी हो मेरी मम्मी को? बात क्या ना, तुम भी तबाह हो जाइए। मम्मी, तुम्हारे लिए रोहित ने जिंदगी का जहर भी अमृत समझकर पी लिया। तुम्हारे दुख उसने वरदान समझकर अपने सीने से लगा लिए। और आज तुम्हारे लिए वो अपना घर, अपनी जायदाद, यहाँ तक कि अपने आप को भी बेचने के लिए तैयार हो गया। क्या इस वक्त तुम्हारा कोई फर्ज नहीं? भगली, यही वक्त है। अपने देवता के लिए त्याग कर उसे बर्बाद होने से बचा ले। हट जाओ उसके रास्ते से, निकल जाओ उसकी जिंदगी से। से जुर्म की सजा दे रही हो मुझे? आखिर मेरा कसूर क्या है? मैं तुम दोनों के बगैर जिंदा रह सकूंगा ये भी सोचा है तुमने? नहीं रोहित, मैं तुम्हें अपनी वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगी। हाँ, और अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं आबाद हो जाऊंगा, है ना पगली? रुपया पैसा क्या चीज है? मेरी असली दौलत तो तुम दोनों हो। अगर तुम दोनों मेरे साथ हो तो मैं दुनिया की हर लड़ाई जीत सकता हूं।
रेप? ओह, वो तो मैं भूल ही गया था। अच्छा तो दोस्त, मैं चलता हूं, अपनी खैरियत लिखता रहूंगा। तुम आदमी नहीं शैतान हो। बैग मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने गोली चलाई तो इसकी जान की खैर नहीं। मम्मी, पापा, दीपक को छोड़ दो कुमार। अब मैं तुम लोगों के झांसे में नहीं आऊंगा। अपनी जगह पे खड़े रहो। अगर तुम लोगों ने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो इसे जिंदा नहीं पाओगे। मैं कहता हूं रुक जाओ। लीना, तुम फौरन पुलिस को टेलीफोन करो, मैं इसका पीछा करता हूं। हेलो इंस्पेक्टर, मैं मिसेस रोहित बोल रही हूँ।
रीना। आपने हमारी मुश्किल आसान कर दी। सरकार ने इसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने का ऐलान कर रखा था। कल बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन आइए। अब आप घर जा सकते हैं।